अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा लेक्चर होगा केस स्टाइल्स के अबाउट। तो जैसे कि हम मेजॉरिटी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, लाइक आपकी जो भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं, तो उनके अंदर हमारे पास हम चार तरह के कुछ केसेस हैं। इसके अलावा भी कुछ आपको नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे जिनका यूज़ कम होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी यूज़ होता है वो हमारे केस स्टाइल्स जो हैं, वो उनमें से कैमल है, पास्कल है, स्नेक है और कबाब केस। अब आपने ये तीनों शायद सुने हो, लेकिन कबाब केस का आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन आपने यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इन नंबर ऑफ केसेस का यूज़ सिर्फ इसलिए होता है कि हम किसी भी क्लास, मेथड या आपके किसी भी प्रॉपर्टी का जब आप नाम देते हो, तो उस नाम के बीच में स्पेसेस अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या आपके सिंबल्स एज वेल एज आपका जो स्पेस कैरेक्टर है, ये जो है रिजर्व कीवर्ड है या रिजर्व आपके कैरेक्टर हैं जिनको आप जो है वो यूज नहीं कर सकते इन योर क्लास, मेथड, वेरिएबल या किसी भी तरह के कंस्ट्रक्टर या किसी भी चीज को नाम दे रहे होते हैं, तो तब आपके कुछ रिजर्व कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये कुछ केसेस होते हैं जिनका यूज करके हम अपने वेरिएबल, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह के नाम्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनमें से हमारे पास एक होता है कैमल केस। कैमल केस में ये होता है कि आप जब भी किसी तरह का वेरिएबल या क्लास या किसी भी तरह का आप समय कंस्ट्रक्ट लिखने जा रहे हैं, तो उसके अंदर, अच्छा ये देखें एक चीज़, आपकी जो है वो बिल्ट इन और आपकी यूज़र डिफाइन चीज़ों में डिफरेंट हो जाती है। अब जब आप यूज़र डिफाइन की बात करते हैं, किसी भी तरह का क्लास, मेथड या वेरिएबल अगर यूज़र खुद डिफाइन कर रहा है, प्रोग्रामिंग के थ्रू गिवन नहीं है, तो आपकी मर्जी आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। सपोज जावा के अंदर अगर आप अपना क्लास लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी है, या आप समझ लें नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर आप जिस भी तरह का कोई कंस्ट्रक्ट लिखते हैं तो उसमें कहीं कहीं आपकी मर्जी भी होती है, कहीं कहीं आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन जो बिल्ट इन आपकी चीजें मिलती हैं, कुछ क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, आपके वो सारे के सारे इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई एक केस फॉलो होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक मेथड वहां पे आपको मिलेगा कैमल केस में और दूसरा मेथड मिलेगा आपको पास्कल केस में, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि वो एक ऐसा समझ लें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कोई ना कोई पैटर्न या किसी भी तरह का एक केस फॉलो करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं इनका डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फॉर डिफरेंट आपकी नेमिंग कन्वेंशन। सपोज आप अगर आप मेथड्स बना रहे हैं सी शार्प के अंदर, जावा के अंदर या आपकी किसी भी तरह के लैंग्वेज के अंदर, तो उन मेथड्स को लिखने का जो है स्पेसिफिक केस होगा, सही है? और कोई ना कोई केस आपका फॉलो कर रही होती है कोई ना कोई लैंग्वेज। तो हमारे पास कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस और कबाब केस का तरीका क्या है? कैमल केस के अंदर अगर आपके कोई दो वर्ड आप किसी भी वेरिएबल, क्लास या किसी मेथड को दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले वर्ड का जो ओवरऑल आपका जो समझ लें टेक्स्ट है वो स्मॉल में लिखना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पे देखें सेकंड वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना है। इसी तरह अगर हम पास्कल केस की बात करें तो पास्कल के अंदर हर वर्ड का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, चाहे वो पहला वर्ड ही क्यों ना हो। इसी तरह स्नेक केस के अंदर अंडरस्कोर का हम यूज करते हैं, जो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक वर्ड लिखा फिर अंडरस्कोर के साथ फिर आपका सेकंड वर्ड। मेजॉरिटी हमने देखा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर, या हमारे पास जो क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक आपकी एसक्यूएल है, तो उसके अंदर भी हम स्नेक जो है केस का यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसी तरह कबाब केस। अच्छा देखें ये कबाब केस कुछ नंबर ऑफ बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट के लिए कहीं कहीं पर यूज़ किया गया है, और आपके जो समझ लें कुछ लैंग्वेजेस के अंदर कबाब केस की सपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ के अंदर सपोर्ट है। यानी आप ये जो है माइनस सिंबल या जिसको हम हाइफन कहते हैं, हाइफन लगा के जो भी लिख रहे होते हैं बिटवीन टू और थ्री और थ्री फोर वर्ड्स, तो आपका ये कबाब केस कहला रहा होता है। आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। कैमल केस को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जैसे देखें कैमल का शेप होता है, इसी तरह आपका कैमल केस होता है। पहला आपका पूरा वर्ड स्मॉल
और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, फिर तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इसी तरह पास्कल केस के अंदर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह स्नेक, आप देखें स्नेक का जो शेप होता है, इसी तरह आपका स्नेक का भी क्या होता है, केस होता है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इसी तरह आपका कबाब केस है, आपको दिख रहा है कबाब, फिर आपके पास हाइफन है, फिर दूसरा वर्ड है। इसी तरह आपके नंबर ऑफ वर्ड्स आप देते जाओगे, हाइफन लगाते जाओगे। अब बात आती है कि कौन सा जो है वो बेस्ट कन्वेंशन है। ठीक है जी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विच इज बेस्ट। देयर इज नो बेस्ट मेथड ऑफ कंबाइनिंग वर्ड, द मेन थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट विद द कन्वेंशन यूज्ड। अब देखें यहाँ पे जब भी आप किसी तरह की प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर लाजमी नहीं कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा आपका बेहतर है। हाँ, आपको किसी भी तरह के केस को चूज करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक मेथड्स, क्लासेस, वेरिएबल्स, कि हमने मेथड्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए जो है इस केस को पूरी प्रोडक्ट में यूज करना है या पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है। तो इससे होता है कल को कोई नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स एज अ टीम जब आप काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, और इन फ्यूचर जब आप मेंटेनेंस करेंगे तब भी आपके लिए बेहतर होगा कि ये हमारा कौन सा केस है जिसको हम फॉलो करके यूज करेंगे। इवन हमारे नंबर ऑफ राउट्स जब बन रहे होते हैं तो उस नंबर ऑफ राउट्स के अंदर जो URL वगैरह आप बनाते हैं उनके अंदर भी इन केसेस का बड़ा यूज होता है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बनाएं तो उसके अंदर पहले से आप एक स्पेसिफिक जो है वो आप क्या करते हैं, एक फाइल बना दें जिसमें आप नंबर ऑफ केसेस को डिफाइन कर दें कि हमारे पूरे प्रोडक्ट के अंदर ये जो है वो कन्वेंशन फॉलो होंगी और उसकी बेसिस पे ही काम होगा, जो कि बेहतर अप्रोच है। ठीक है जी। अब हमारे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर कौन सा केस किस लैंग्वेज में कौन से कंस्ट्रक्ट के लिए यूज होता है या कौन से हमारे मेथड, वेरिएबल और इंटरफेसेस, नेम स्पेसेस के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रही है जिसके अंदर आपको गिवन है कि पाइथन के अंदर जो फंक्शंस और मेथड्स, देखिए फंक्शंस और मेथड्स का डिफरेंस है, इस पर मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास फंक्शंस और मेथड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें दोनों को लिखा गया, फंक्शंस एंड मेथड्स। तो पाइथन के अंदर स्नेक केस जो होता है हमारा वो एज अ फंक्शंस और मेथड्स में यूज होता है। सी शार्प के अंदर जो है वो कौन सा केस फॉलो होता है, पास्कल केस, यानी सी शार्प के अंदर जो मेथड भी बनते हैं उनका पहला वर्ड का पहला लेटर और सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, जितने भी वर्ड आएंगे हर वर्ड का आपका पहला लेटर कैपिटल होगा। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कैमल केस फॉलो होता है, जावा के अंदर कैमल केस फॉलो होता है, इसी तरह क्लासेस जो आप बनाते हैं पाइथन के अंदर उनके अंदर पास्कल केस है। देखें मेथड्स के अंदर स्नेक केस यूज कर रहे हैं और क्लासेस के अंदर पास्कल केस यूज कर रहे हैं। इवन इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लासेस के लिए पास्कल केस को ही प्रायोरिटी दी गई है और उसी को यूज किया गया है। इसी तरह इंटरफेसिस के लिए पाइथन के अंदर इंटरफेसिस अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सी शार्प के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और हमारे पास जावा के अंदर जो है इंटरफेसेस को बनाने के लिए आप पास्कल केस को ही फॉलो करते हैं। इसी तरह नेम स्पेसेस जब आप बनाते हैं तो पाइथन के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पे सी शार्प, टाइपस्क्रिप्ट और जावा के अंदर पास्कल केस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए कॉमन हो गई कि क्लासेस, इंटरफेसेस और नेम स्पेसेस के लिए हमारे पास पास्कल केस का यूज़ होता है। ठीक है, सिवाय सी शार्प के बाकी जो हमारी फेमस प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर मेथड्स बनाने के लिए स्नेक केस और कैमल केस को मेजॉरिटी यूज किया जाता है। अब कॉन्स्टेंट्स को बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन के अंदर स्नेक केस है, उसके अलावा यहाँ पे सी शार्प के अंदर स्क्रीमिंग स्नेक है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे केस को डिफाइन किया गया। इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास जब भी कॉन्स्टेंट बनते हैं तो कैपिटल में डिफाइन होते हैं, लेकिन हमारा केस जो है वो कौन सा है, आप कह सकते हैं कि ये स्क्रीमिंग स्नेक केस है। स्क्रीमिंग का मकसद ओवरऑल कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी स्नेक देख सकते हैं, जावा के अंदर भी कॉन्स्टेंट बनाने के लिए स्क्रीमिंग स्नेक केस जो है वो यूज होता है। स्क्रीमिंग यानी ओवरऑल कैपिटल, और नंबर ऑफ हमारे कॉन्स्टेंट वगैरह जो होते हैं हम उनको वैसे भी कैपिटल में लिख रहे होते हैं, लाइक हम इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट एनम्स एंड ऑल तो अब वहाँ पे कैपिटल्स को ही प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्क्लूजन क्या आती है कि इन नंबर ऑफ चीज़ों को डिफाइन करने के बाद इनका यूज़ कहाँ पे,
देखिए कोडिंग कन्वेक्शंस आर पैटर्न्स, एक्चुअली ये पैटर्न्स हैं या टेक्निक्स हैं या स्टाइल्स हैं या आप कह सकते हो अप्रोचेस हैं, जब भी आप कोड को मेंटेन करोगे या हमारी जो नेमिंग कन्वेंशन आप एज अ टीम काम कर रहे हो ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, तो आपकी ये चीज़ें जो है बहुत वैल्यू रखती हैं, ताकि वो एक कोड कंसिस्टेंट वे में बन रहा होता है और आपका कल को उसमें मेंटेनेंस करनी होती है तो वो ईजी होता है। देखिए दो तरह के आपके कोडर या डेवलपर होते हैं, एक अच्छे वे में कोड करते हैं एक बुरे वे में। तो अच्छे वे में कोड करने का तरीका ये है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाए, जो भी आप कोड कर रहे हैं उसके अंदर ये कन्वेंशंस वगैरह का जो समान लें यूज़ है वो बेहतर वैसे किया जाए, तो आपका वो कोडिंग को क्लियर और बेहतर जो है वो शो करता है। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।